हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से दम आलू। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। दम आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे उबले हुए आलू लिया है। यहाँ पे इसी साइज का आलू लेना है, ज़्यादा बड़ा आलू नहीं लेना है। ज़्यादा बड़ा अगर आलू लेंगे तो दम आलू बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। अब हम इसे फोक की मदद से इस तरीके से होल कर देंगे इसमें, ताकि रस इसमें अच्छे से जाए। यहाँ पे मैंने सभी आलुओं में फोक की मदद से छेद कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और एक मिक्सिंग जार लेंगे और इसमें हम डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 10 से 12 लहसुन की कली और 4 बड़ा हरा मिर्च लिया है। इसे हम इसमें डाल देंगे। तो हरा मिर्च को हम इस तरीके से तोड़कर डाल देंगे क्योंकि इसका साइज बड़ा है। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। इसे पूरा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा इस तरीके से दरदरा ही रखना है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर से हम सेम जार लेंगे और इसमें हम 1 बड़ा टमाटर डाल देंगे काटकर। इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, इसे भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पर मैंने गैस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए डाल दिया है और कढ़ाई अब गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तेल अब गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें आलू डाल देंगे। तेल में इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे आलू को हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से आलू को फ्राई कर देने से सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसे हम थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहेंगे ताकि ये हर तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखिए, आलू अब फ्राई हो चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इस तेल में डालेंगे 1 से 2 टुकड़ा दालचीनी का छोटा छोटा। 1 चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे, 1 तेजपत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च। इन सभी चीजों को हम थोड़ा भून लेंगे और अब हम इसमें 3 आलू डाल देंगे। आलू को मैंने इस तरीके से पतला पतला कट कर लिया है। मिला लेंगे इसे हम। फ्लेम को हम हाई टू मीडियम रखेंगे और प्याज को हम गोल्डन होने तक भून लेंगे। ये देखिए, प्याज अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है। प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है तो अब हम इसमें हरा मटर डाल देंगे। आप यहाँ पे हरा मटर अगर नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं, पर इसे डालने से सब्जी और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। मिला लेंगे इसे हम। 1 मिनट के लिए मटर को हम भून लेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। मिला लेंगे इसे हम और इसे भी हम 0.5 से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। एक मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। आप चाहे तो टमाटर काट करके भी डाल सकते हैं। मिला लेंगे एक बारी से हम। फ्लेम को हम लो कर लेंगे और इसमें हम मसाले डालेंगे।
डेढ़ चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे, तो नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, एक चम्मच से थोड़ा कम धनिया पाउडर मिला लेंगे इन सभी चीजों को। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और इसे हम ढक देंगे और ढक कर हम इसे 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे मसालों को। मसालों को तब तक हम भूनेंगे जब तक कि मसालों से तेल अलग न हो जाए। इसे हम बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। चार से पांच मिनट हो चुके हैं, मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें ये फ्राई किया हुआ आलू डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे इसे और आलू के साथ हम इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। दो मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें पानी डाल देंगे, मिला लेंगे इसे। ग्रेवी को ज्यादा पतला नहीं रखना है। अब हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच मीट मसाला डाल देंगे। आप इसकी जगह पर किचन क्वीन मसाला भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे, मिला लेंगे। इसे हम ढक देंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 5 मिनट तक पकने देंगे। बीच में इसे एक बार चला देंगे। इसे पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुका है। अब दम आलू बनकर तैयार है और ये देखिए, ये देखने से ही कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।